block of wood kept on the floor of a stationary elevator. The elevator being to descend with an acceleration of 12 meter per second square. पहले मैं elevator बना लेता हूँ, है ना? So this is elevator. ये descend कर रहा है. Descend मतलब नीचे की तरफ आ रहा है. ये नहीं चलेगा. So ये चलो इतना बड़ा काफी है. तो ये जो elevator है that is descending. तो इसका downward direction में acceleration है. That is 12 meter per second square. ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड, ठीक है. जी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. देन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकंड. बड़ा अच्छा सवाल है. सवाल तो अच्छा है. तो यहां पर अगर हम एक ब्लॉक बना लें, अच्छा सवाल है, इसलिए ब्लॉक भी अच्छा ही बनाता हूं, ठीक है. कलर्ड वाला ब्लॉक जो है हमारा, कलर्ड प्यारा सा ब्लॉक. क्वेश्चन इज गुड, है ना? क्वेश्चन आसान नहीं है, कंसेप्चुअल है. इज गुड. मतलब आसान आइडिया आ जाए, तुम सोचोगे तो आसान है. तो ध्यान से देखना, ये बेसिकली क्या हो रहा है. देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक ड्यूरिंग फर्स्ट 0.2 सेकंड. इसमें बस इतना सा ध्यान देना है कि लिफ्ट का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, जो कि जी से ज्यादा है. तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी, है ना? इस ब्लॉक का मैक्सिमम एक्सेलरेशन ब्लॉक का कितना हो सकता है? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसको मैं अलग से भी दिखा देता हूं. इस ब्लॉक का, ये अगर ब्लॉक किसी के कॉन्टेक्ट, मतलब ब्लॉक को अगर तुम फ्रीली छोड़ दोगे, ठीक है, ब्लॉक को अगर फ्रीली छोड़ दोगे तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है, ठीक है. 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता, उससे ज्यादा हो नहीं सकता. अब ये कैसी सिचुएशन आ गई, लिफ्ट तेजी से फॉल कर रही है मगर ब्लॉक का तो 10 ही होगा. तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी आएगी, ब्लॉक भी गिरेगा, लिफ्ट भी गिरेगी, मगर लिफ्ट तेजी से गिरेगी. मैं दोनों एक साथ मूवमेंट, है ना, ये ऐसे, ये लिफ्ट गिर रही है मगर ब्लॉक उतनी तेजी से नहीं गिर रहा. लिफ्ट अगर दोनों साथ में चलाऊंगा तो ब्लॉक उतनी तेजी से नहीं गिर रहा है. यानी इसका मतलब यह हुआ कि ब्लॉक जो है सिंपली फ्री फॉल की स्टेट में होगा. समझ आई बात? लिफ्ट तेजी से आ रही है, ब्लॉक 10 से है. ब्लॉक का एक्सेलरेशन तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही हो सकता है, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, ठीक है. इसका मतलब साफ है कि जो ब्लॉक है वो लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा, और जब लिफ्ट के कॉन्टेक्ट में नहीं रहेगा तब उसका एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट फिर सीधा निकाल लो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट. कुछ नहीं करना इसमें. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, है ना? UT प्लस हाफ एक्सेलरेशन 10 हो जाएगा. निकालना ही नहीं है इसमें, क्योंकि कंसेप्चुअली 10 ही होगा और 0.2 का स्क्वायर. तो कुल मिलाकर देखा जाए, ये दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था, तो ऐसे में गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं. ऑब्वियसली 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, टाइम का स्क्वायर. तो दिस विल कैंसिल आउट, 5 हो जाएगा, ठीक है. एक सेकेंड, बस बाकी कैलकुलेशन है. This is 5 into, ये कितना हो जाएगा? 0.04, हाँ? 0.04 आएगा ना ये? 0.2 into, हाँ, तो आंसर कितना आएगा? 0.1 मीटर ना? नहीं, 0.1 मीटर नहीं, 0.2 मीटर. 0.2 आएगा ना? So 0.2 मीटर आएगा. तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, और इतना सा था.